ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત આગામી 30 તારીખે જુનાગઢ ખાતે દેશનું પ્રથમ પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક કાફેનો શુભારંભ કરશે. આ પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક કાફેનું સંચાલન જુનાગઢ મહેસૂલી તંત્રના માર્ગદર્શન હેઠળ SHG-ની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવશે, જ્યાં પ્લાસ્ટિકના બદલે પ્રાકૃતિક ફૂડ ઉપલબ્ધ કરાવી માટીના વાસણોમાં પીરસવામાં આવશે, તેમજ પ્રાકૃતિક ચીજ વસ્તુઓના પેકિંગ અને માટીના વાસણોનું વેચાણ પણ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત પ્રાકૃતિક ફૂડ આઇટમ સ્વીગી તેમજ ઝોમેટો જેવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ હશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત હુમન લાઇબ્રેરી અને કલેક્ટર કચેરીની મુલાકાત લઈ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે પ્રાકૃતિક ખેતી વર્કશોપને સંબોધિત કરશે. कि हम बहुत जल्द 30 तारीख को राज्यपाल श्री के परद हस्ते हम लोग प्राकृतिक प्लास्टिक कैफ़े का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और ये जूनागढ़ में पहली बार, देश में पहली बार, गुजरात में पहली बार होने जा रहा है कि एक कैफ़े होगा जहां पे प्राकृतिक खाना मिलेगा, और साथ में हम प्लास्टिक वेस्ट का भी रिडक्शन का लिए अवेयरनेस एंड प्लास्टिक वेस्ट यूजेज को भी कम कराएंगे. प्राकृतिक खाना में आपको प्राकृतिक बर्तन का भी सेल होगा, पच्छी आपको प्राकृतिक जो खाना का बिक्री भी वहाँ होगा. स्विगी जोमेटो से भी इसका टाइप किया जाएगा. कैशलेस लिटरेसी को भी प्रमोट किया जाएगा. बाद में जो प्लास्टिक वेस्ट अगर कोई लोग लाते हैं खाना, प्लास्टिक वेस्ट लाएंगे तो उनको हम उसके अकॉर्डिंग खाना देंगे. जैसे अगर वो आधा केजी प्लास्टिक लाते हैं तो उनको वहाँ पे शरबत दिया जाएगा, अगर 1 केजी लाते हैं तो उनको वहाँ पे पोहा या ढोकला, और उसके अकॉर्डिंग आगे जैसा लाएंगे तो उसके मूल्य के अकॉर्डिंग. ये एक हमारे लिए प्रोत्साहन है उनके लिए जो आप प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करें और लाएं. बाकी हमारा फॉरवर्ड लिंकेज में प्लास्टिक एजेंसी के साथ टाई अप है, वो कैसे डिकम्पोज होगा, कैसे होगा, वो आगे हम पूरा देख लेंगे. और इस कैफ़े के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो कल 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैनिंग है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और हम अभी से ही चालू अपने जूनागढ़ के लिए. और हम चाहते हैं ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो ओके, तमाम प्लास्टिक ने जो यूजेज है उसको रिडक्शन करना है, बिकॉज फॉर आवर एनवायरमेंट, फॉर आवर पीपल एंड फॉर आवर सोसाइटी. क्योंकि अल्टीमेटली वी एज अ ह्यूमन बींग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उसके लिए हमें मेहनत अब से ही करना है. आज से ही मैं तमाम जो हमारे जागरूक जूनागढ़ भाइयों बहनों हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप भी हमें इस पवित्र काम में आए. और बेसिकली मैं इसको पवित्र तो मानता हूँ, लेकिन मैं इसको मानता हूँ ये राष्ट्रभक्त, ये राष्ट्रभक्ति का काम है, क्योंकि ये राष्ट्र को हेल्प करेगा. आज हम सबको यहाँ लग रहा है ये नॉर्मल बात है, बट आप 2050 में जो स्टडी आया है, आप सोचो, उस स्टडी में ये बताया गया है कि जो सीज है और ओशियंस हैं वहाँ पर मछली कम मिलेगी, प्लास्टिक ज़्यादा मिलेंगे. तो क्या इस दिन के लिए हम रहेंगे? कोई प्लास्टिक का चीज़ को 400 से 500 साल लग जाता है डिकम्पोज होने में, जब तक हम जीवित भी नहीं रहेंगे. तो हमारा मकसद ये है कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, हमें एक साथ आना है, और इस कैफ़े का आप प्राकृतिक खाना से आप आनंद भी लीजिए, बिकॉज प्राकृतिक खाना से आपकी जो हेल्थ है, आपके जो मेंटल फ्रेमवर्क है, इवन आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा. आप में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, जो कार्बन कंटेंट अभी ग्राउंड में है, प्लांट्स में है, वो भी बचा रहेगा. धीरे धीरे कार्बन कंटेंट्स भी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उस वो भी कम होता है. जितना ज़्यादा प्राकृतिक खाना का एक डिमांड होगा तो उतना ज़्यादा हमारे पूरे सोसाइटी को इसका फायदा होने वाला है. तो आप सभी के माध्यम से आई अपील टू द होल जूनागढ़ पीपल कि आप प्लीज़ दोनों तरफ का रास्ता मोड़िए. पहला रास्ता मोड़िए प्राकृतिक खाना के लिए, दूसरा रास्ता मोड़िए प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन. इसके साथ पूरे तंत्र आपके साथ.